हरे कृष्ण। भागवतम में वर्णित कई शुद्ध भक्तों में से एक महारानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाएं भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता व मधुरता की अत्यंत सुंदर झलक देखने को मिलती है। हजारों वर्षों से ऋषियों तथा दार्शनिकों द्वारा इनका श्रवण, वाचन एवं गायन होता आया है। दार्शनिक, धार्मिक एवं साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना मानी जाने वाली इन प्रार्थनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान रूप विलास प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान रूप विलास प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय के नरसी मौनजी कॉलेज से कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, जिसके उपरांत वे अपने पिता का व्यवसाय संभाल रहे हैं। सन 1997 में इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद 2002 में प्रभु जी आधिकारिक रूप से दीक्षित हुए। सन 2007 में भक्ति शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद 2010 से वे इस्कॉन जुहू में भक्ति शास्त्री के अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वह इसके साथ साथ वे भगवद गीता पर सेमिनार तथा गृहस्थ भक्तों के आध्यात्मिक जीवन में विकास हेतु उन्हें परामर्श भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कुंती महारानी के शब्द ज्ञान से सने दैवी प्रेम को दर्शाती इन प्रार्थनाओं को श्रीमान रूप विलास प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों का आज के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कुंती स्तुति का श्लोक नंबर 30वां करेंगे। जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य अकर्तुम आत्मनः त्रियं नर ऋषि यादशु तत् अत्यंत विडंबनम्। इस श्लोक में कुंती माता कहती है कि आप अजस्य अकर्तुरम, मतलब आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हो, अकर्ता होते हुए भी काम करते हो, कार्य करते हो, और आप समस्त जीव के आत्मा है फिर भी आप विश्वात्मा भी हो, और आपने पशु के रूप में, नर के रूप में, ऋषि के रूप में और जलचर के रूप में आपने लीला की है, और वो अत्यंत विडंबनम है। और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, ये विडंबना हमारी दूर करो। वास्तव में विडंबना क्या है ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भौतिक स्तर पर जब हम कोई भी जन्म या कर्म की बात करते हैं तो क्या है, हम जन्म और कर्म शरीर स्तर पर ले लेते हैं। हम हमारा जन्म और भगवान का जन्म एक ही समान समझते हैं, लेकिन हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में आसमान और जमीन का फर्क है। हम जो जन्म लेते हैं हमारे पूर्व कर्मों के कारण, और हमारा आत्मा और हमारे शरीर में बहुत अंतर है। हम जो पूर्व कर्मा और भाग्य के अनुसार हमको गर्भ मिलता है, भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते। भगवान अपनी इच्छा से भक्तों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए जन्म प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। हमारा जन्म माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं, और उस उल्टे लटके में हमको हमारे जन्मों के, पिछले जन्मों का, 100 जन्मों का हमारा पूरा हिसाब किताब याद दिलाया जाता है। और उस समय हम प्रार्थना करते हैं माँ के गर्भ में, हे भगवान मुझे आप बाहर निकालो, और इस जन्म में मैं वो गलती नहीं करूँगा जो पहले जन्म में की है, इस जन्म में अवश्य मैं आपकी भक्ति में अपने आप को लगाऊंगा। हम जब जन्म लेते हैं तो बाहर
आते ही रोना चालू कर देते हैं और हम क्यों रो रहे हैं ये पता ही नहीं पड़ता है। और हमारा जीवन पूरा का पूरा जीवन, बालपन बोलो, जवानी बोलो, गृहस्थ अवस्था बोलो, वानप्रस्थ अवस्था बोलो या वृद्ध अवस्था बोलो, ये खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना और घर गृहस्थी मेंटेन करने में चली जाती है। लेकिन भगवान का जो जन्म होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती और अधर्म प्रधान होता है तब तब मैं प्रकट होता हूं। और मैं किसके लिए प्रकट होता हूं? परित्राणाय साधुना, भक्तों को रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। लेकिन जो प्रथम कार्य भगवान का जन्म के लिए होता है वो भक्तों की रक्षा करने के लिए होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। अकबर बीरबल से पूछ रहा है कि आपके इतने सब अवतार क्यों होते हैं और ये घड़ी घड़ी क्यों अवतार लेते हैं? उस समय बीरबल ने अकबर को उत्तर नहीं दिया। शाम के समय में उन्होंने उनकी पत्नी से कहा था कि आज जब आप विहार करने जाओ तो अपने पुत्र को आपको डाल देना है नदी में, यमुना नदी में, लेकिन वो पुत्र घास का रहेगा। तो घास का पुत्र दिया गया और जैसे ही विहार करने गए योजना के अनुसार वो पुत्र को डाल दिया गया। जैसे ही पुत्र को डाला अकबर ने देखा वो विचलित हुआ और वो खुद कूद पड़ा पुत्र को बचाने के लिए। जब देखा तो ये तो घास का है, वो एकदम क्रोधित हो गया और बोला ये सब किसने किया है? बीरबल क्षमा मांगता है, हाथ जोड़ता है और कहता है हे राजे, हे राजन, आप क्यों कूदे? आपके तो बहुत सारे सैनिक थे, आप किसको भी आदेश दे देते थे और वो बच्चा बच जाता था। ऐसे कैसे, मेरा पुत्र है, मैं देख रहा हूं कि वो डूब रहा है, तो मैं कैसे दूसरे को, मैं खुद कूद पड़ा। तो बीरबल ने उत्तर दिया ऐसे ही भगवान रहते हैं, जब देखते हैं कि उनके आश्रित, उनके जो उनके प्राणधन, उनके भक्त जब दुखी रहते हैं तो भगवान किसी को भेजते नहीं है, वो खुद आ जाते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। जहां तक आ जाए दुष्टों का विनाश, एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि एक मित्र था अमेरिका में रहता था और दूसरा मित्र था भारत में। उसकी शादी थी, उस अमेरिका मित्र को बुलाया कि आप शादी में आ जाओ। बचपन के मित्र थे, उनका घर वहीं था, बाजू बाजू में था, लेकिन अभी वो घर बंद पड़ा हुआ था अमेरिका मित्र का। तो जब वो अमेरिका मित्र यहां पे आया उसकी शादी में, तो वो अपनी घर की सफाई करने लग गया और घर की सफाई करके झाड़ू पोता मारने लग गया और उसमें काम करने लग गया। तो वो अमेरिका से यहां पे उस घर में झाड़ू पोता मारने नहीं आया है, वो शादी के काम के लिए आया है। शादी का कार्य करते करते साइड में वो अपनी घर की सफाई कर रहा है। वैसे ही जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो भक्त की कृपा, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते, लेकिन साथ में जो आजू बाजू में दुष्ट रहते हैं उनका भी भगवान भला कर देते हैं। तो यहां पे माता बताती है कि आपने त्रियम मतलब पशु के रूप में अवतार लिया। तो पशु के रूप में कौन सा अवतार है? वारा अवतार है, हैग्रीव अवतार है। वारा अवतार की तो कथा है कि कैसे भगवान, वो जब ये हिरण्याक्ष ने धरती को लेके रसातल में लेके गए और छुपा दिया कीच में, तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि का अभी सर्जन करना है और अभी ये पृथ्वी माता है नहीं तो क्या करे, तो प्रार्थना की। तो भगवान ये वहरा रूप कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए। जैसे ही देखा कि उनकी नासिका से ब्रह्मा
प्रकट हुए और वो एक छोटे ही उंगल वाले थे, लेकिन देखते देखते विशाल हो गए। कहते कि इतने विशाल हो गए कि जितने समुद्र है वो उनके रोमकूप में आने लग गए, उतने विशाल हो गए। और फिर एक पशु की तरह वो कार्य करने लग गए और सूंघने लग गए कि किधर है पृथ्वी। और सूंघते 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 रसातल में चले गए और रसातल में से धरती माता को बाहर लाए। जैसे बाहर लाए तो कहते हैं कि ये धरती माता उनके जो दांत थे उनके ऊपर रखा गया था, लेकिन हिरण्यक्ष आ गया और युद्ध के लिए ललकार करने लग गए। तो वारा भगवान ने धरती को पानी में तैरा दिया, पूरी की पूरी धरती, और युद्ध करने लग गए। एक बार एक नास्तिक ने बहुत बोला कि देखो ये जितने भी आपके जो ये जो शास्त्र है सब बोगस है। तो बोगस उसने कैसे बताया? बोला कि बोगस, देखो देखो ये आपका वहरा रूप का ये जो फोटो है उसमें बताया जाता है पृथ्वी पानी के ऊपर है। अरे पानी के ये जो पानी समुद्र होता है ये पृथ्वी के अंदर है, तो ये पृथ्वी के ऊपर कहाँ से आ गया? उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि गर्भोदक सागर होता है, हाँ शिरोदक सागर होता है, कारणोदक सागर होता है, और ये ब्रह्मांड के परे भी कितने सागर है। तो ये गर्भोदक सागर के ऊपर ये धरती माता को रखा गया और हिरण्याक्ष ने ललकार करने लग गए और ललकार करके युद्ध होने लग गया। और ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि जैसे कहते हैं कि भगवान अपनी गदा से युद्ध कर रहे थे, भगवान हिरण्याक्ष वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। हिरण्याक्ष ओ एक बार तो ऐसे हुआ कि भाई भगवान के हाथ से गदा छूट गई, तो हाहाकार हो गया देवताओं में कि ये क्या हो गया। फिर हिरण्याक्ष ने फिर भगवान गदा उठा ली और भगवान ने युद्ध होते जा रहा था और कभी कभी उन्होंने भगवान को पकड़ लिया अपने आंगन में और भगवान निकल जाते थे। तो भगवान एक लीला कर रहे थे हिरण्याक्ष खेल के लिए, जैसे कहते हैं कि जैसे एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ के खेलते रहती है, वैसा भगवान हिरण्याक्ष के साथ लीला कर रहे थे। लेकिन ऊपर ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे थे कि समय आ रहा है और काल चेंज हो रहा है, तो कृपया करके आप ये लीला समाप्त कीजिए। तब भगवान ने देखा कि सब भक्त विचलित हो रहे हैं, तो खाली एक झापड़ मार दिया। भगवान चाहते तो एक झापड़ पहले भी मार सकते थे, और जैसे ही एक झापड़ खाली मारा और वो वहां के वहां ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये ऐसी ऐसी विचित्र लीला देखकर, और तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी वारा रूप में उनकी स्तुति करने लग गए कि आपके रोमकूप सब यज्ञ है और आपके हर चीज पवित्र है। आगे माता कहती है कि आपने नर और ऋषि के रूप में अवतार लिया। नर रूप में तो रामायण में हम देखते कि भगवान रामचंद्र जी ने ऐसी ऐसी लीला की कि बहुत विचित्र लीला, एक आदर्श स्थापित कर दिया भगवान ने कि कैसे पिता की आज्ञा को पालन करना चाहिए और कैसे हमें हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। साथ में दिव्य लीला ये थी कि माता को एक 14 वर्ष के लिए उन्हें अलग रहना था, और उस अलग रहने के लिए क्योंकि भगवान रामचंद्र जी एक राजा के रूप में कार्य करने वाले थे, और एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसका पूरा का पूरा जीवन प्रजा और भक्तों के लिए होता है, तो एक समय इस लीला में उन्हें एक अलग से समय चाहिए था, और उस समय में उन्हें दूसरे भी कार्य करने थे, बहुत सारे कार्य करने थे, जैसे रावण का उद्धार, रावण का और देवताओं का कार्य करना था। और अगर वो अयोध्या से नहीं जाते थे
तो ये रावण का उद्धार नहीं हो पाता था। और हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने कैसे एक तपस्या जीवन जिया, जो बताना चाहते हैं कि इस संसार में जो तपस्या करता है वो ही जीत सकता है, बिना तपस्या नहीं कर सकता है कुछ, हम कोई भी कार्य में हम आगे नहीं आ सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी की जो लीला थी एक आदर्श लीला थी, और वही भगवान कृष्ण की जो लीला थी, जो पूतना वध, जितने भी असुर, पूतना है, तृणावत है, अघासुर है, बकासुर है, अग्निपान लीला है, कालिया दमन लीला है, ये सब विचित्र विचित्र लीला भगवान ने की है, आश्चर्य लीला। भगवान ने 16,108 विवाह किए और एक ही समय में एक ही मुहूर्त में सभी के साथ में भगवान ने विवाह किए, ये असंभव कार्य था। भगवान के ये लीला देखने के लिए नारद जी गए, और नारद जी ने देखा कि भगवान एक विचित्र रूप में, एक गृहस्थ के रूप में सम्य कार्य कर रहे हैं। और जब भी नारद जी नए महल में जाते थे तो उनका उतना ही होशो आवाज से स्वागत होता था जैसे अभी अभी नारद जी मिले हैं। कभी कोई पत्नी के साथ में बैठे हुए हैं, कभी पुत्रों के साथ में खेल रहे हैं, कभी चर्चा विमर्श कर रहे हैं कोई महल में, नारद जी सब देख रहे हैं। लेकिन ये सब लीला देख के नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और गदगद हो गए। एक कथा आती है, एक बार राधा रानी सब गोपियों को नदी, यमुना नदी जाके दुर्वासा जी को भोग देना था, तो भगवान को बोले कि आप कैसे भी व्यवस्था करो कि भाई ये नदी हम पार करके जा सके। तो भगवान ने कहा कि आप खाली उनको बोलिए, यमुना माता को, कि भगवान अखंड ब्रह्मचारी है, अगर वो अखंड ब्रह्मचारी है तो मुझे मार्ग दे दो। गोपिया बोली, ये तो हो ही नहीं सकता, मार्ग तो मिलेगा ही नहीं हमें। बोला नहीं, भगवान बोले आप जाके बोलो। गोपिया गई और माता को बोले, अगर भगवान अखंड ब्रह्मचारी है और उनमें कोई आसक्ति नहीं है तो कृपया कुछ मार्ग दे दीजिए। यमुना माता ने तुरंत अपना मार्ग दे दिया और उस तरफ चले गए। वो एकदम विचलित हो गई, ये कैसा हो सकता है। वहां जाके दुर्वासा मुनि को भोग खिला रहे, खा रहे खा रहे, तृप्त हो गए। फिर इस तरफ आना था तो दुर्वासा मुनि से पूछा, अभी हमें उस तरफ जाना है तो क्या करे। तो बोलिए यमुना माता को कि दुर्वासा मुनि ने कुछ भी खाया नहीं है। अरे ये ऐसा कैसा संभव हो सकता है, तो आप जाइए। तो दुर्वासा मुनि ने कहने पर गोपियों गए, माता यमुना माता को कहने लगी कि माता दुर्वासा मुनि ने कुछ भी खाया नहीं है, और तुरंत यमुना माता ने स्थान दे दिया। तो ये क्या है, आत्मा स्तर पे, दिव्य स्तर पे कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो वो अकर्म कहलाता है। भगवान भौतिक स्तर पर कोई भी उनका कार्य नहीं होता। भगवान ये जितने भी हम जीव है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश है। तो भगवान जब हमसे व्यवहार करते हैं तो भगवान उस सच्चिदानंद रूप जीवात्मा के साथ में व्यवहार करते हैं, और भगवान परम सच्चिदानंद है, सर्व कारण कारण है। तो उनका कोई भी काम ये तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं होता। हमारे जो कार्य होते हैं ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत होते हैं। भगवान के कार्य ये तीनों गुणों के परे होते हैं। ये तीनों गुण जो है, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान द्वारा कार्यरत है। वो भगवान को कभी भी हावी नहीं कर सकते। जीव अंश होने के कारण ये भगवान की प्रकृति माया से आवृत हो जाता है और वो भ्रमित हो जाता है। भगवान कभी भी ये तीनों गुणों के द्वारा अपना कार्य नहीं करते, जबकि ये तीनों गुणों के द्वारा सबको कार्य करवाते हैं। भगवान का जो कार्य रहता है वो आत्मस्तर पे रहता है, वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे रहता है।
जीवों का जो कार्य रहता है वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत होता है। इसीलिए ये सब विडंबना आती है कि हम भौतिक स्तर से भगवान के सब कार्य को देखना चाहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने वस्त्र हरण क्यों किया, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं कि भगवान ने अगर वस्त्र चुराया था लेकिन वस्त्र भरे भी थे, द्रौपदी के वस्त्र भी भरे थे, तो ऐसे क्यों? और जब वस्त्र चुराने की बात आती है तो उसकी कथा भी सुननी चाहिए कि वो कितने उम्र के थे, वो 5 साल के थे वो जब ये लीला हुई थी वस्त्र हरण, और वो क्यों किए? क्योंकि उन बालिका थी, छोटी छोटी बालिका थी, और उनकी इच्छा थी कि हमें भविष्य में अगर पति मिले तो कृष्ण जैसा पति मिले, इसलिए उन्होंने कात्यानी व्रत रखा, 1 महीने तक कात्यानी व्रत रखा था, और उस कात्यानी व्रत का फल देने के लिए भगवान आए, और उन्होंने नग्न स्नान कर रहे थे तो उन्होंने उनका वस्त्र ले लिया कि ये बताने के लिए कभी भी हमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान की कोई भी जो लीला रहती है उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहता है। भगवान ने फिर ये यहाँ पे लिखा गया है कि जल के रूप में अवतार लिया, मत्स्य रूप में अवतार लिया, मत्स्य रूप में तो विचित्र लीला कर दी कि एक छोटी सी लीला, वो जो हमारे भक्त थे वो पानी में से लेके आए और मच्छी के रूप में भगवान बोले मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे यहाँ पे कोई खा जाएगा। तो भगवान को अपने राजा अपने महल में अपने कुंड में डाल दिए, रातों रात भगवान ने अपना आकार बढ़ा दिया और कहने लगा कि ये कुंड मुझे छोटा पड़ता है, मुझे अभी इससे बड़े कुंड में लेके जाओ। तो राजा ने ये मत्स्य अवतार के रूप में उन्हें नदी में डाल दिया। नदी में डालने के बाद दूसरी रात्रि में बड़े हो गए और विशाल हो गए और बोला ये भी छोटा पड़ रहा है, तो उन्होंने बड़े सरोवर में डाल दिया, बड़े सरोवर में डाले वो भी छोटा पड़ने लग गया, और फिर उन्होंने समुद्र में डाल दिया और समुद्र में भी भगवान ने बहुत विशालकाय मत्स्य का रूप ले लिया। तब भक्त ने कहा कि भाई आप अवश्य भगवान हो, नहीं तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। तब भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय आने वाला है और मैं जितने भी भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए मैं ये मत्स्य रूप में अवतार लिया हूँ, आप एक बोट बनाइए और अपने उसको मुझसे बांधिए और पूरे प्रलय जल में हम कथा करते रहेंगे, आप सभी वस्तु को लेके उसमें आ जाइए। तो भगवान की ये सब लीला जो है भक्तों को उद्धार करने के लिए है, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को भगवत धाम आकर्षित करने के लिए है, ना कि उनकी कोई भौतिक स्वार्थ है, ये पूरा सृष्टि उनसे आता है। तो कहाँ पे तो ये सब बात कुंती माता विचार कर रही है, ये सब लीला कुंती माता विचार कर रही है, इसीलिए कहते हैं कि आपकी ये सब कार्य विडंबनम है, आप अकर्ता होते हुए भी काम करते रहते हो और अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते रहते हो, और ये सब बात कौन समझ सकता है? भगवान कहते हैं कि मैं वेदों द्वारा नहीं जान सकता हूँ, लेकिन मेरे शुद्ध भक्त जब शरणागति होती है तो मैं उन्हें वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे समझ सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते, इसलिए हमें भक्तिमय कार्य को स्वीकार करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, और जो भी हमारे प्रभुपाद ने हमें जो कार्य दिए हैं, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, घर को एक मंदिर बनाना, भगवान को केंद्रित करना और गुरु आचार्य के अनुसार हमें अपना जीवन समर्पित करना, तब हम भगवान की ये लीलाओं को समझ सकते हैं और हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, शील प्रभुपाद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।